नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ आई इंडिया न्यूज और मैं हूँ अली कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फिर एक बार बिशनपुर पुलिस का कहर देखने को मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिन में सीओ पीडिकुआ के ड्राइवर वीर सिंह अपनी सीमा छोड़कर सिटी हापुड़ के NH 9 पर वसूली करते नजर आए। जब हमने ट्रैक्टर चालकों से बात किया तो उन्होंने बताया कि 500 रुपये के मांगा गया, बाद में 300 रुपये सीओ का ड्राइवर मार गया। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, यहाँ जो रुके हो आपको किसने रोका था? सीओ के ड्राइवर ने। क्या नाम है उनका? कहाँ के सीओ के ड्राइवर है? किस लिए रोका था? एंट्री के लिए। क्या लोड है ऐसे आप? सीमेंट। तो कहाँ जा रहे थे आप? बाबूगढ़ शामली। बाबूगढ़ शामली कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे? राजीव से। तो फिर किस लिए एंट्री जो करी, क्या रुपए लिए एंट्री के? पहले तो मांग रहे 500, फिर हमने 300 रुपये दिए थे। अच्छा, तो फिर कोई उसकी एंट्री की कोई रसीद नहीं दी हमें? कुछ नहीं दिया, ऐसे 300 रुपये हर बार लेते हैं। आज लिए? आज लिए। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, यहाँ जो आपका ट्रैक्टर रोका, क्या लोड है इसमें ट्रैक्टर में? सीमेंट लोड है। सीमेंट किसने रोका था? सीओ के ड्राइवर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है वीर सिंह। अच्छा, कहाँ के सीओ के ड्राइवर हैं? ये पिलखुआ के। पिलखुआ? तो आपसे क्यों रोका था यहाँ? एंट्री के लिए। फिर एंट्री लेके 300 रुपये। क्या ट्रैक्टर से? दो से। उसके बाद में कुछ बोला या एंट्री कोई लिख के दी? कुछ नहीं दी। विशेष जानकारी के लिए इस वक्त हापुड़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता रवि पांडे। अभी ये बताइए कि जो तस्वीरें आपने अपने कैमरे में कैद किया है, कैसी तस्वीरें हैं और पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ के पास में तिलकुआ पड़ता है, वहाँ सीओ के ड्राइवर वीर सिंह है। तो NH 9 के लिए, NH 9 दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जो लंबा एक NH 9 माना जाता है। तो वहाँ करीब सुबह 7:45 से या 8:30 के बीच की बात है, तो वहाँ सीओ के ड्राइवर ये ट्रैक्टर से सीमेंट से भरे ट्रैक्टर रोके हुए थे। 2 से 3 ट्रैक्टर उनसे, यानी कि अवैध वसूली चल रही थी सीओ के नाम पे। तो उनसे जब जानकारी पूरी हमने गाड़ी चालक से जानकारी करी, तो बताया गया सीओ के प्लगवा के ड्राइवर है वीर सिंह नाम है मौजूद। तो करीब 500 रुपए की उनसे वसूली हो रही थी। तो जब 500 रुपए नहीं देने पे तो उन्होंने गाली गुफ्तार उनके साथ करी, तो फिर 300 रुपए की मांग करी गई। जी रवि जी, ये बताइए कि आखिर मतलब पैसे किस वजह से मांगे जा रहे थे, किस काम पैसे मांगे थे, इसकी वजह क्या थी पैसे मांगने की? पैसे वजह की मांगनी ये है, रोड पे एंट्री होती है, जो योगी सरकार आ चुकी है तो उसके बाद भी अभी भी कुछ पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार अभी भी फैला रहे हैं। या उन्हें योगी सरकार हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें रिश्वत चाहिए तो लेते रहेंगे, उनका कहने का मतलब ये है। जी, इस संदर्भ में क्या आपकी किसी पुलिस के आला अधिकारी से बात हुई है? जी रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस संदर्भ में आपकी पुलिस के किसी भी आला अधिकारी से बात हुई है? पुलिस आला अधिकारी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर से एक उनका ये कहना है कि हमारा कोई ड्राइवर नहीं है, जबकि उसने साफ दिखाई दे रहा है कि वो पिलखुआ की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है। उसमें भी बिल्कुल सीओ साहब ने ये बोला है कि मेरी कोई गाड़ी नहीं है, जबकि बिल्कुल सरकारी, जनपद के अधिकारी को, SP को पता है कि ये सरकारी गाड़ी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यूपी पुलिस के ड्राइवर भी किस तरह अवैध धंधेबाजी के चक्कर में खुद को ये भूल जा रहा है कि हमारी यूपी सीमा कहां से कहां तक है। ऐसे पुलिस वाले कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे और ऐसे पुलिस वालों पर कब लगाम लगेगी, ये गंभीर प्रश्न है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं।